जो लगभग 1 महीने का प्रशिक्षण हुआ है अभी, उसकी समीक्षा की गई। प्रशिक्षण का कार्य संतोषजनक है वहाँ पर। इसके बाद जितने भी पुलिस कार्यालय में पहुंचकर जितने थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर और SDPO के साथ बैठक की गई, वहाँ पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। उन लोगों से जो क्राइम कंट्रोल के संबंध में बातें की गई, और मुख्य फोकस इस बात पे था कि क्राइम जो घटित हो रहे हैं उनको रोकना है। हालांकि डिटेक्शन रेट अच्छा है यहाँ पे, जितने भी लगभग 70% केसेस में इन लोगों ने डिटेक्शन किया है, गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो हत्या, लूट, डकैती के जो भी मामले हों, लेकिन जो कंट्रोल करना है उसके लिए जो पेट्रोलिंग की बातें हों, चाहे जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाने हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी के संबंध में सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया। भूमि विवाद को लेकर सर क्या आप लोगों से कहेंगे, क्योंकि लोग इस बात का आशा करते हैं कि हमारा जो विवाद है वो पुलिस के माध्यम से हल किया जाए। और दूसरा चीज़ कि कई ऐसे चीज देखे गए हैं कि जो माफिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी सक्रिय हैं भूमि को लेकर। तो ऐसे में सर पुलिस किस रूप में इसको ले रही है और किस हिसाब से इसको काम भूमि कर रही है? विवाद के समाधान के लिए सरकार काफ़ी संवेदनशील है, और काफ़ी समय से प्रत्येक शनिवार को सभी थानों में CO और SHO बैठते हैं और जो भूमि विवाद के मामले आते हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही अभी भू समाधान पोर्टल भी पर भी अपलोड किया जाना है इन मामलों के जो समाधान की दिशा में जो कार्रवाई होती है। और जहाँ तक पुलिस से संबंधित इन मामलों में कार्रवाई का संबंध है, तो इसमें निश्चित रूप से अगर भू विवाद को लेकर कोई घटना घटित होती है तो इसमें ये देखा जाएगा कि संबंधित थानाध्यक्ष को अगर इस बात की पता थी कि वहाँ पे कोई विवाद पूर्व से चल रहा है तो उन्होंने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए ताकि आगे कोई गंभीर घटना घटित ना हो। इसके संबंध में भी सभी थानाध्यक्षों को बोला गया। सर जिस सर प्रकार से इस बॉर्डर एरिया जो चल रहा है पुलिस का कार्यक्रम, पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे, इसको लेकर क्या कुछ जी नो योर पुलिस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और ये जो हमारे नए TOP और OPs खुले हैं, बीट पुलिसिंग का प्रारंभ किया जा रहा है, उसी के तहत जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो जो निर्धारित क्षेत्र हैं उनके लिए, उन TOPs के, वहाँ पर जा रहे हैं सारी क्षेत्रों में, और एक प्रपत्र है जिससे भरा जाना है उनके द्वारा, और बहुत ही पोलाइट तरीके से वो पब्लिक से मिल रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं ताकि जो पूरा इलाका है उसकी जानकारी और एक समझ विकसित हो और जनता के बीच भी ये संदेश जाए कि पुलिस जो है वो उनका सहयोग करने के लिए। क्राइम कंट्रोल में इससे कितना फायदा पहुंचेगा निश्चित सर? रूप से इसमें फ़ायदा पहुँचेगा जब आप पूरे इलाके की जानकारी रखेंगे कि कौन किस घर में रह रहा है, किराएदार कौन है, होटल में कौन आ रहा है, लॉजेज में कौन आ और जा रहे हैं, कौन ठहर रहे हैं, तो ये सब भी बातें उस प्रपत्र में दर्ज की जानी है। और जब एक एक व्यक्ति का आप ब्यौरा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपराध के नियंत्रण में काफ़ी सहयोग मिलेगा। सर एक सवाल, जो जिस प्रकार से बॉर्डर